तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, ए फेलो ट्रेवलर, क्लास 12th और चैप्टर नंबर 2, जो कि एजी गार्डनर के द्वारा लिखा गया है। और एजी गार्डनर का पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, उनका जीवन काल 1865 से 1946 तक रहा। और उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं में, बहुत बहुत प्रसिद्ध पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया, क्योंकि ये एक जर्नलिस्ट थे, लेखक भी थे, काफ़ी सारी रचनाएं लिखी। और इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक बहुत प्रसिद्ध और एक रुचिकर, हास्य से भरपूर रचना ए फेलो ट्रेवलर लिखी। और इस रचना में उन्होंने अपनी एक यात्रा का वर्णन किया है। और उस यात्रा में जिस ट्रेन में लेखक सफर कर रहे थे, वो ट्रेन लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली ट्रेन थी। शुरू में जब उन्होंने उस ट्रेन में प्रवेश किया तो उस समय काफी यात्री भी थे, और इतने यात्री थे जिनको कि वो आसानी से सहन कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे रास्ते में जो छोटे छोटे उप स्टेशन पर वो यात्री उतरते चले गए और अंत में वो अकेले रह गए। तब उन्हें ऐसा लगा कि मैं अकेला हूं, और वो कुछ भी करने के लिए आजाद थे। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि उनका एक सहयात्री भी था, जो कि एक मच्छर था। और वो मच्छर ने उस मच्छर ने उन्हें थोड़ा सा परेशान किया, और लेखक ने उस मच्छर को मारने का काफी प्रयास किया। लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाए तो अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्होंने उसको माफ कर दिया और उसको अपना मित्र मान लिया, अर्थात अपना सहयात्री मान लिया। तो दोस्तों, ये एक बहुत रुचिकर कहानी, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं बेल आइकन भी दबा दें। और वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि ठीक प्रकार से आपकी समझ में वीडियो आए। तो आइए शुरू करते हैं ए फेलो ट्रेवलर, चैप्टर नंबर 2, क्लास 12th। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस, हम में से किसने, गॉट माने प्रवेश किया, इन टू द कैरेज, उस डिब्बे में, फर्स्ट माने पहले, मैं नहीं जानता कि उस डिब्बे में हम में से किसने प्रवेश किया, सबसे पहले किसने प्रवेश किया। इंडीड माने वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं ये भी नहीं जानता कि ही वॉज इन द कैरेज, कि वो डिब्बे में था, एट ऑल, यानी कि पहले से ही वो डिब्बे में था, मैं ये भी नहीं जानता था। फॉर सम टाइम माने कुछ समय से, कुछ समय से वो पहले से ही डिब्बे में था, मैं ये भी नहीं जानता था। तो इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी, फ्रॉम लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली यह अंतिम ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक करके चलने वाली ट्रेन, अर्थात बीच में ज्यादा छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकने वाली ट्रेन, अर्थात जिसको हम पैसेंजर ट्रेन कहते हैं। तो एन अनफिनिटली लीजियरली ट्रेन, और ये जो है बड़े इत्मीनान से चलने वाली ट्रेन, और ये ऐसी ट्रेन जिसके पास समय ही समय होता है, अर्थात वो बीच के छोटे छोटे स्टेशनों पर जगह जगह वो रुकती रहती है। तो ऐसी ट्रेन थी जो कि बिल्कुल इत्मीनान से चलने वाली ट्रेन थी, आराम से चलने वाली ट्रेन। इट वॉज टॉलरेबली फुल, और ये जो थी टॉलरेबली मतलब सहन करने योग्य भरी हुई थी, अर्थात इसमें इतनी भीड़ थी कि उसको सहन किया जा सकता था। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह ट्रेन चली तो इसमें सहन करने लायक भीड़ थी। बट एज वी स्टॉप्ड, जैसे जैसे हम रुके, एट द सबर्बन स्टेशंस, जो रास्ते में पड़ने वाले स्टेशंस हैं उन पर हम जैसे जैसे रुके, तो ट्रेवलर्स एलाइटेड, जो यात्री जो थे वो उतरते चले गए। इन वंस एंड टूज, एक एक या दो दो करके यात्री उतरते चले गए। एंड बाय द टाइम, और एक समय जब वो आया कि हमने छोड़ दिया आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, यानी कि लंदन को हमने अपने पीछे छोड़ दिया, उसकी सीमा से जब हम बाहर निकल गए,
तो आई वाज एलोन, उस समय पर मैं अकेला रह गया, और रेदर आई थॉट, या ये कह सकते हैं कि ऐसा मेरा विचार था कि मैं अकेला था, यानी कि मैं अकेला रह गया था। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस, एक बहुत सुहावना हमें लगता है, एक ऑफ फ्रीडम माने आजादी का, आजादी का एक अलग ही आनंद होता है। अबाउट बीइंग एलोन माने अकेले होने का, इन ए कैरेज, एक डिब्बे में, यानी कि एक डिब्बे में अकेले होने का एक अलग ही आनंद होता है। दैट इज जोल्टिंग, जो कि झटके लेकर के चलने वाली और शोर मचा करके चलने वाली रात की ट्रेन थी। तो रात की ऐसी ट्रेन में, उस ट्रेन के डिब्बे में जो कि झटके के साथ और शोर मचाती हुई चल रही थी, उसमें अकेले होने का यानी कि आजाद होने का भी एक अपना एक आनंद होता है। इट इज लिबर्टी, यह है जो थी बिल्कुल स्वतंत्रता वाली ट्रेन थी, एन अनरेस्ट्रेंट और बिना बंधन वाली ट्रेन थी, इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म, और इसका जो रूप था वो एक सहमति का ही रूप था। ये जो है ट्रेन पूरी तरीके से एक ऐसी थी जिसमें कि हम पूरी स्वतंत्र अपने आप को समझ सकते थे, और जिसमें कोई बंध अनरेस्ट्रेंट अर्थात कोई बंधन भी नहीं था, यानी कि हम कुछ जो चाहे वो कर सकते थे, उसमें हमारे ऊपर कोई भी मतलब बंधन नहीं था। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, तो ऐसी ट्रेन में जिसमें कोई बंधन ही नहीं है, तो उसमें यू कैन डू एनी थिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक, जो भी आप चाहो वो आप कर सकते हो। यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हो, टू योर सेल्फ, अपने आप से बात कर सकते हो, एज लाउड, जितने चाहे जोर से, एज यू प्लीज, जितना आपका मन करे, जितने में आपको खुशी मिले उतनी जोर से आप बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई सुनेगा भी नहीं, ना आपको कोई सुनेगा ना आपको कोई रोकेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, आप बहस भी कर सकते हो विद जोन्स, एक जो काल्पनिक व्यक्ति जोन्स है उसके साथ आप बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम, और उसे लुढ़का सकते हो, ट्रियम्फेंटली माने विजयी भाव से उसे आप, यानी उस पर विजय पाते हुए उसे आप मट्टी में भी लुटा सकते हो अर्थात गिरा सकते हो, इन दी डस्ट माने धूल में, विदाउट फियर, और आपको ये भी डरने की आवश्यकता नहीं है ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, कि उस तरफ से आप पर कोई बदले में जवाबी कार्रवाई कोई होगी, तो आपको इस बात का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि जॉन जो है एक काल्पनिक व्यक्ति है, ये काल्पनिक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जो भी हम जिसको चाहें ले सकते हैं, अपने किसी दुश्मन का नाम भी अपना मन रखने के लिए, अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए हम ले सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल भी खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, नो वन माने कोई नहीं, विल सी यू माने आपको देखेगा, और आपको कोई देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो, और डांस या नृत्य कर सकते हो, ए टू स्टेप, एक या दो स्टेप आप जो है नृत्य भी कर सकते हो, और प्रैक्टिस या अभ्यास कर सकते हो एक गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ स्ट्रोक का यानी कि गोल्फ खेलने का भी अभ्यास कर सकते हो, और प्ले मार्बल्स या कंचे भी खेल सकते हो, ऑन द फ्लोर माने फर्श पर, विदाउट लेट, बिना किसी परेशानी के, यानी कि आपको कोई ना तो आपको ये रोकेगा और ना कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेगा, तो इसमें बिना किसी रोक टोक के या बिना किसी बाधा के आप कंचे भी खेल सकते हो। यू कैन ओपन, आप खोल सकते हो, द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हो, और शट या बंद कर सकते हो, इट माने उसे, विदाउट प्रोवोकिंग यानी कि बिना किसी प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के, बिना किसी विरोध के, यानी कि आपको कोई उकसाएगा भी नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, आप खिड़की को खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप खोल सकते हो दोनों विंडो, दोनों खिड़कियां खोल सकते हो, और शट बोथ या दोनों बंद कर सकते हो। इनडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन, आप जारी रख सकते हो, ओपनिंग माने खोलना, देम माने उन्हें, यहां तक कि आप उन्हें बार बार खोल सकते हो, एंड शटिंग और बंद कर सकते हो, एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आजादी के त्योहार के रूप में, जैसे कि आपको आजादी का, आपको पूरी आजादी है और आप आजादी का त्योहार मना रहे हो, तो आप जो है अपने आजादी के रूप में उनको बार बार खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो।
यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप कोई सा भी कोना चुन सकते हो, यू चूज आप चुन सकते हो, एंड ट्राई और प्रयास कर सकते हो, आप कोई सा भी जो आपका कैरेज है, जिस कैरेज में आप बैठे हुए हो उसका आप कोई सा भी कोना चुन सकते हो, एंड ट्राई और प्रयास कर सकते हो, ऑल ऑफ देम इन टर्न, एक एक करके उन सबका जो है प्रयोग भी कर सकते हो। यू कैन लाई, आप लेट सकते हो, एट फुल लेंथ पूरी लंबाई में, ऑन दी कुशंस यानी कि गद्दों पर आप लेट सकते हो, एंड एंजॉय और आनंद ले सकते हो, द लग्जरी और लग्जरी माने विलासिता का आनंद ले सकते हो, और ब्रेकिंग द रेगुलेशंस पूरे सारे जो भी नियम हैं उनको आप तोड़ करके अपनी विलासिता का आनंद भी ले सकते हो, एंड पॉसिबली और संभवतः द हर्ट माने हृदय भी तोड़ सकते हो, ऑफ डोरा हरसेल्फ, और डोरा जो है उसका जो है आप हृदय भी तोड़ सकते हो। तो डोरा का मतलब यहां पर जो लिया गया है वो डिफेंस ऑफ रीम एक्ट, तो डिफेंस ऑफ रीम एक्ट का आप जो है हृदय भी तोड़ सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो, और डोरा को पता भी नहीं चलेगा कि दैट हर हर्ट की उसका हृदय इस ब्रोकन माने टूट गया है। यू हैव एस्केप्ड, और आप बच करके भी निकल जाओगे, इवन डोरा, यहां तक कि डोरा से आप बच करके भी जो निकल जाओगे, जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया रूल था तो उसको उससे आप बच करके भी निकल जाओगे। ऑन दिस नाइट अर्थात इस रात, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन दोनों कामों में से मैंने कोई सा भी काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन, और ना ही मुझे टू ऑक्योर, और ना ही मुझे सूझा टू मी, और ना ही मुझे ऐसा कुछ करना करने की सूझी, मतलब इस बारे में मैंने उस समय पर नहीं सोचा। वाट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत ही साधारण था। जो कुछ भी मैंने उस रात किया वो बहुत ही साधारण सा कार्य था। वेन द लास्ट ऑफ माई फेलो, जब मेरा अंतिम फेलो माने सहयात्री, मेरा साथी था वो पैसेंजर जो यात्री था, हेड गोन मैंने चला गया, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपना पेपर रख दिया। स्ट्रेस्ड मैंने फैलाया माई आर्म्स अपनी बाहें, एंड माई लेग्स और अपनी टांगे फैलाई। स्टूड अप मैंने खड़ा हो गया, एंड लुकड आउट और बाहर देखा। ऑफ दी विंडो मैंने खिड़की से बाहर देखा। ऑन दी काम मैंने शांत गर्मी की रात में, गर्मी की शांत रात में देखा, बाहर को देखा। थ्रो विच जिसमें से होकर के, आई वॉज जर्निंग मैं यात्रा कर रहा था, जिसमें से होकर के उस शांत रात में होकर में मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे, और मैंने ये भी नोट कर रहा था, एक हल्का सा जो धुंधल का था यानी कि हल्का सा प्रकाश दिखाई दे रहा था, दिन का हल्का सा प्रकाश रह गया था। दैट स्टिल लिंगर्ड, और जो अभी भी चमक रहा था इन द नॉर्दर्न स्काई यानी कि उत्तरी आसमान में, वो अभी भी हल्का सा प्रकाश चमक रहा था। क्रॉस्ड द कैरेज, मैंने कैरेज को पार किया यानी कि डिब्बे को पार किया। एंड लुकड आउट और बाहर देखा। ऑफ दी अदर विंडो, दूसरी खिड़की के बाहर मैंने देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड और पढ़ने लगा, अगेन फिर से और फिर से पढ़ने लगा। इट वॉज देन और उस समय पर, आई बिकेम अवेयर, उसी समय पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं जागरूक हो गया, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई सहयात्री उसमें था। ही केम, वह आया, एंड सेट और बैठ गया, ऑन माई नोज और वो मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से था जो कि विंगी यानी कि पंखों वाला, वो पंखों वाला था, निडर था और पंखों वाला था, ठंडा था और निडर था, तो इंसेक्ट माने कीड़ा, वह एक पंखों वाला ठंडा और निडर कीड़ा था। दैट विकाल, जिसको कि हम कहते हैं वेगुली मॉस्किटोज, जिसको कि हम अस्पष्ट रूप से हम जिसको मॉस्किटोज अर्थात मच्छर कहते हैं, वो ऐसा जो है वो कीट था। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, मैंने उसे उड़ा दिया, माई नोज अपनी नाक पर से मैंने उसे उड़ाया। एंड ही मेड ए टूर और उसने एक चक्कर लगाया, ऑफ द कंपार्टमेंट अर्थात उस डिब्बे का उसने एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड, उसने मतलब इन्वेस्टिगेट किया, जांचा परखा। इट्स थ्री डायमेंशंस, तीनों विमाओं को, जो तीनों विमाएं होती हैं डिब्बे की या कमरे की, किसी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उन सबको उसने निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की के पास घूमा।
फ्लटर्ड मैंने फड़फड़ाया राउंड द लाइट, प्रकार यानी कि रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड और फिर उसने निर्णय किया कि दैट देयर वॉज नथिंग, कि कुछ भी नहीं था। सो इंटरेस्टिंग, इतना रुचिकर कुछ नहीं था एज माने जितना कि दैट लार्ज प्राणी एनिमल, कि जितना कि वो विशालकाय प्राणी। इन दी कॉर्नर माने कोने में बैठा हुआ, फिर उसने ये निर्णय किया कि कोने में बैठा हुआ जो एक विशालकाय प्राणी था उससे ज्यादा रुचिकर उसके लिए कोई नहीं था। यहां पर जो विशालकाय प्राणी है वो लेखक अपने लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर वो केम माने आया एंड हैड ए लुक, और एक निगाह डाली एट माई नेक, और फिर मेरी गर्दन पर उसने एक निगाह डाली। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, और वह बच करके निकल गया। टुक एनदर जॉन्ट, और एक फिर उसने एक छोटा सा चक्कर लगाया राउंड चारों ओर द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे में, उस डिब्बे के चारों ओर उसने फिर एक छोटा सा चक्कर लगाया। रिटर्न माने लौटा, एंड सीटेड और बैठ गया, हिमसेल्फ माने स्वयं, इम्पुडेंटली माने बेशर्मी से, धृष्टता से, बेशर्मी से वो बैठ गया। ऑन दी बैक माने पिछले हिस्से पर, ऑफ माई हैंड मेरे हाथ के पीछे की ओर बैठ गया। इट इज एनफ, अब ये बहुत पर्याप्त हो गया था, कुछ ज्यादा हो गया था। आई सेड, मैंने कहा, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, अर्थात मैग्नानिमिटी का मतलब होता है कि उदारता हैज माने रखती है इट्स लिमिट्स, अपनी कुछ इनकी सीमाएं होती हैं, यानी उदारता की भी कोई सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, ये यहां पर पैसिव वॉइस है, कि दो बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है कि आई एम समवन, कि मैं एक ऐसा एक मैं एक अलग एक विशिष्ट व्यक्ति हूं, दैट माई ऑगस्ट, और ये जो दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग और इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, मैं कुछ इस प्रकार का व्यक्ति हूं कि मेरा जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता द टिकलिंग, गुदगुदाने को, इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के द्वारा, अजनबी के द्वारा धृष्टता पूर्वक जो गुदगुदाया जाना होता है उसको मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं ऐसा एक विशिष्ट व्यक्ति हूं। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, अब मैं ओढ़ लेता हूं एक काला कैप, मैं अब एक काली टोपी ओढ़ लेता हूं, अर्थात एक जज बन जाता हूं। आई कंडेम्ड, और फिर मैं तुम्हें दंड देता हूं, टू डेथ माने मृत्यु का, अब मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और जो अदालत है यह इनाम देती है, अदालत यही कुछ ऐसा देती है। द काउंट्स माने आरोप अगेंस्ट यू माने तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं, आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे छोटे छोटे आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नुइसेंस, और तुम पब्लिक कंटक हो, अर्थात पब्लिक का खून चूसने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग, तुम यात्रा कर रहे हो, विदाउट ए टिकट, और बिना टिकट के तुम यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं, अर्थात मांस खाने का तुम्हारे पास कोई भी कूपन भी नहीं है। फॉर दीज, इन सब के लिए, एंड मैनी अदर मिस डी मैनरस, और बहुत से दूसरे अपराधों के लिए, जो छोटे छोटे अपराध हैं, मिस डी मैनरस का मतलब है छोटे छोटे अपराध, और इनके लिए और बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे अपराधों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, तुम अब मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट, मैंने एक वार किया लेथल, एक घातक रूप से, बिलो मुक्का मारा, विद माई राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से, अपने दाएं हाथ से मैंने एक बहुत घातक वार किया। ही डोज्ड, वह गच्चा दे गया, यानी कि फिर बच करके निकल गया। द अटैक, उस आक्रमण से भी बच करके निकल गया। विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी, वह बच करके निकल गया और उस आक्रमण से, और पूरी बदतमीजी के साथ में, ढिटाई के साथ में, वो आसानी से उससे बच करके निकल गया। और इससे मुझे, दैट ह्यूमिलेटेड मी, मुझे जो है, मैं लज्जित महसूस हुआ किया, मैंने अपने आप में लज्जित महसूस किया। माई पर्सनल वैनिटी, मेरा जो आत्मसम्मान था, व्यक्तिगत सम्मान था, वाज अराउज्ड माने जाग गया, मेरा व्यक्तिगत सम्मान जाग गया। आई लंग्ड एट हिम, मैंने उसका पीछा किया, विद माई हैंड, अपने हाथ से,
विद माई पेपर, अपने हाथ में पेपर लेकर के मैंने उसका पीछा किया। आई जम्प्ड, मैं कूदा, ऑन द सीट, और मैं सीट पर कूदा, एंड परस्यूड, और फिर उसका पीछा किया, राउंड द लैम्प, वो लैम्प के चारों ओर, जो बल्ब था बल्ब के चारों ओर उड़ रहा था उसके चारों ओर भी मैंने उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स, मैंने अपनाई नीतियां ऑफ फेलाइन कनिंग, यानी कि बिल्ली के समान चतुराई वाली भी नीतियां मैंने अपनाई। वेटिंग, और इंतजार किया, टिल ही हैड अलाइटेड, उसके उतरने तक, उसके लाइट के ऊपर से नीचे आने तक, अर्थात लाइट के पास से हटने तक मैंने उसका इंतजार किया। अप्रोचिंग, पहुंचा विद ए हॉरिबल स्टिल्थीनेस, बिल्कुल मतलब बहुत चुपके थे उसके पास पहुंचा, और स्ट्राइकिंग विद ए सडन, और फिर से मारा अचानक, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, बहुत तेजी से उसको जो है मारना चाहा, अर्थात उस पर मैंने बहुत तेजी के साथ में वार करने का प्रयास किया, भयानक रूप से तेजी के साथ उस पर वार करने का प्रयास किया उसे मारने के लिए। तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट, ए फेलो ट्रेवलर, क्लास 12th, और चैप्टर नंबर 2। तो इससे जो अगला पार्ट है पार्ट 2, वो अगली वीडियो में फिर लेकर के उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।